Hey, what's up guys? मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक एलेज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्नैपचैट ट्रिक्स, जिसे आप अपने फोटोज को एक क्लिक में एडिट कर पाएंगे और साथ ही साथ आप अपने एक फोटो की एडिटिंग दूसरे फोटो में कॉपी कर पाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। एंड दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैं आपको ये फोटो एडिट करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको जाना है ऑप्शन में जो ऊपर में दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पर चूज करना है क्यूआर लुक। एंड जैसे आप ये टूल में क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक है क्रिएट क्यूआर लुक और दूसरा है स्कैन क्यूआर लुक। आपको सेकेंड ऑप्शन में क्लिक करना है एंड जैसे आप सेकेंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको अपना कैमरा क्यूआर कोड में प्लेस करना पड़ेगा। स्कैन कंप्लीट होने के कुछ ही सेकंड्स बाद आपके फोटो में सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे। आप व्यू एडिट्स में जाके सारे टूल्स के डिटेल्स देख सकते हो जो आपके फोटो में अप्लाई हुए हैं एंड आप इसे मैन्युअली भी एडिट कर सकते हो। मैं आपको ये दूसरे फोटो में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपको सारे प्रोसेस सेम तरीके से करने हैं और आपके फोटो में सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे। एंड अगर आप मेरी तरह हो जो एक ही सब्जेक्ट के 4 से 5 बार फोटोज लेता है या फिर उससे भी ज़्यादा, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके लिए। सो इन केसेस में अगर आप सारे फोटोज़ को एक एक करके एडिट करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ जिसकी हेल्प से आप सारे फोटोज़ को क्विकली एडिट कर पाएंगे। तो पहले आपको एक फ़ोटो लेना है और आपको फ़ोटो को एडिट करनी है। यहाँ पर आप अपने स्टेप्स लगाए और अपने तरीके से फ़ोटो एडिट करें। मैं बस आपको स्टेप्स बता रहा हूँ और प्रोसेस की कैसे आप फ़ोटो एडिट करेंगे। सो यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स मेरे फॉलो करें। सो यहाँ पर मैं अपने एडिटिंग्स कर लेता हूँ, आप ये प्रोसेस फॉलो करके अपनी एडिटिंग्स कर लीजिए। एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है टॉप के टूल्स में और आपको इस बार फिर से सिलेक्ट करनी है क्यूआर लुक और सेकेंड ऑप्शन में आपको चूज करना है क्रिएट क्यूआर लुक, जिससे कि आपके फोटो के एडिटिंग की सारी प्रोसेस क्यूआर कोड में सेव हो जाएंगी और आप इसे स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं या फिर आप इसे सोशल मीडियाज में भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको अपने सिमिलर दिखने वाले पिक्चर्स को इम्पोर्ट करना है स्नैपशीट में और इस बार आप क्यूआर स्कैन का यूज करके अपने एडिटिंग प्रोसेस न्यू फोटोज में अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और आपको पार्टिकुलरली सारे फोटोज को एक एक करके एडिट करने नहीं पड़ेंगे। एंड मेरे पास आपके लिए ऐसे 30 डिफरेंट क्यूआर कोड्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो के लिए, जिसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।